स्मार्ट सिटी ग्वालियर केंद्र सरकार की महती और विशिष्ट योजना स्मार्ट सिटी मिशन के द्वितीय चरण में प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर देश के अन्य 67 शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल है। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर जहां मुगल से लेकर मराठा घरानों ने शासन किया, आज सांस्कृतिक व्यापारिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के निर्माण हेतु वृहद नागरिक सहभागिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग तबकों और वर्गों से प्रस्तावित योजना पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा लगभग 125,000 लोगों से सुझाव लिए गए। विजन ग्वालियर लगातार बढ़ते शहर में नागरिक सहभागिता से प्राप्त सुझावों और मत के आधार पर शहर के हृदय स्थल महाराजबाड़ा और इससे लगे क्षेत्र जैसे स्वर्ण रेखा नदी, दाल बाजार व आमखू बस स्टैंड को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास हेतु चिन्हित किया गया। महाराजबाड़ा का पुनरुद्धार शहर का हृदय स्थल व ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र महाराजबाड़ा और इससे लगे बाजारों की भव्यता और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कर इनका सुचारू रूप से उपयोग करना स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का अहम हिस्सा है। महाराजबाड़ा के क्षेत्र को हरा भरा कर इसे वाहन प्रतिबंधित कर इसकी ऐतिहासिक महत्ता का उन्नयन करना स्मार्ट सिटी मिशन में प्रस्तावित है। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कर उन्हें संग्रहालय व कला थिएटर के रूप में स्थापित करना प्रस्तावित है। बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को सुलभ करने हेतु गांधी मार्केट को व्यापारिक एवं मल्टी लेवल पार्किंग में तब्दील करना भी इस प्रस्ताव का अहम हिस्सा है। स्वर्ण रेखा नदी का सौंदर्यीकरण बढ़ते और बदलते शहर के साथ नदी की सूरत भी बदली है। स्वर्ण रेखा नदी को पुनः पुराने स्वरूप में लाने के लिए इसे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत नदी का पुनरुद्धार कर आसपास हरित श्रृंखला से सौंदर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है। नदी के दोनों किनारे वाहन प्रतिबंधित होकर पैदल व साइकिल चलाने के लिए होंगे। स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर हरित श्रृंखला के साथ बच्चों के खेलकूद के बगीचे, व्यायाम क्षेत्र और नियत पार्किंग व्यवस्था का विकास प्रस्तावित है। ग्वालियर आवास एवं व्यापारिक क्षेत्र का निर्माण स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आमखू बस स्टैंड के निकट 35 एकड़ क्षेत्र को पुनर्निर्माण द्वारा आवास और व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आर्ट गैलरी, प्रशिक्षण केंद्र, सभागार, पुस्तकालय, बगीचे, आवास, व्यावसायिक बिल्डिंग्स, खानपान की दुकानें और लाइट जोन का निर्माण प्रस्तावित है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दाल बाजार की आए दिन की यातायात समस्या के निदान हेतु ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के मानकों पर इस क्षेत्र का विकास प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से यातायात सुचारू होगा व पैदल मार्ग और अशक्त जनों के लिए नियत मार्गों का विकास होगा। साथ ही मिक्स यूज बिल्डिंग से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। रहवासी क्षेत्र का निर्माण व सुखद जीवन शैली ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रस्ताव सबका हो अपना घर पर केंद्रित है, जिसके लिए कमातीपुरा क्षेत्र को सस्ती आवासीय योजना के अंतर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सुखद जीवन शैली के लिए यहां बगीचे व व्यापारिक क्षेत्रों का विकास भी प्रस्तावित है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की विभिन्न परियोजनाओं में होने वाला व्यय लगभग 2300 करोड़ रुपए होगा।